हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोन में स्कॉट पबजी जैसा लोगो कैसे बनाते हैं। अगर आपको भी स्कॉट जैसा आर्ट बनाना सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लेटेस्ट एडिटिंग वीडियोज को देखने के लिए। तो विथआउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टून ऐप, और फिर आपको उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब आपको उस फोटो को क्रॉप करके राइट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब जो आपका आर्ट बनकर तैयार हो गया है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपको एक ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है जिसका नाम है पिक्सल लैब। आपको अब थर्ड वाले टैब पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके क्रोम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने जो आपके आर्ट का स्क्रीनशॉट लिया उसे ओपन कर लेना है। अब आपको फोटो को स्क्वायर साइज में क्रॉप कर लेना है। अब आपको फोटो की साइज को फुल कर लेना है। अब आपको सेकंड टैब पर क्लिक करके इरेज कलर वाले ऑप्शन को ढूंढ कर इनेबल कर देना है, और फिर राइट वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। अब आपको सेव वाले आइकन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, फिर फोटो को सेव कर लेना है। आपको अब पिक्सआर्ट ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। फिर एक बैकग्राउंड को ओपन करना है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर ऐड फोटो पर क्लिक करके अपने आर्ट की पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको जो आपके पीएनजी में जो अनवांटेड पार्ट है उसको एरेस वाले बटन पर क्लिक करके एरेस कर लेना है। एरेस करने के बाद में आपको अपने आर्ट को बैकग्राउंड के हिसाब से सेट कर लेना है। अब फिर से आपको एड फोटो पर क्लिक करके एक मास्क के पीएनजी को ऐड कर लेना है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आपको मास्क को अपने फेस पर सेट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं फेस और गर्दन का कलर मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को प्लस 50 के आसपास कर लेना है। फिर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। अब आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। अब ऐड फोटो पर क्लिक करके आपने जो अपने आर्ट का स्क्रीनशॉट लिया था उसे ऐड कर लेना है। फिर ओपेसिटी को कम करके फोटो को एडजस्ट कर लेना है। और ओपेसिटी को फुल कर लेना है। अब इरेज पर क्लिक करके इन्वर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फोटो को अपनी आईज पर रिस्टोर कर लेना है। अब राइट वाले बटन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। अब डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।